Hello, happy Mother's Day to all of you. And first of all, I want to thank GSC. One word में मुझे describe करना है GSC को तो वो है stress reliever. GSC से मतलब जितनी भी stress होती थी during pregnancy, मुझे trans सुनने से, सारी activities को follow करने से या yoga करने से सारा स्ट्रेस रिलीव होता था. जब मैं ट्रांस सुन के और उठती थी, ट्रांस सुन के सुनते सो जाती थी, और जब ट्रांस सुन के उठती थी तब मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था पुराना. सो वन वर्ड में जब मैं डिस्क्राइब करूंगी अदर चीज को तो इट इज स्ट्रेस रिलीव. जीएससी में जब मैंने 18 जुलाई को 2021 में जीएससी ज्वाइन किया था, मेरे कलीग है साथ में जो है उन्होंने भी ज्वाइन किया था, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप भी ज्वाइन करें. सो थर्ड मंथ मेरा कंप्लीट हुआ था एंड उसके बाद से मैंने जीएससी के साथ में जो मेरा जर्नी रहा है प्रेगनेंसी का, मुझे नहीं पता चला कि मैं कैसे पूरा 9th month मैंने निकाल दिया. मुझे सारी चीजें जो भी नॉलेज होना चाहिए था कि प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए, क्या हमको मतलब कैसे हमको आगे के लिए तैयारी करना है पोस्ट डिलीवरी, वो भी मुझे जीएससी के थ्रू ही पता चला है. क्योंकि मैं हमारी एक्चुअली लव मैरिज थी और मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो, और मैं जॉब करती हूँ तो मैं रहती भी अकेले, और हस्बैंड की जॉब दिल्ली में है तो मैं तब अकेली रहती. तो उस ऐसे टाइम में मुझे जीएससी ने बहुत सपोर्ट किया है. सारी एक्टिविटीज मैं जब करती थी तो मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मैं अकेली हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट भी करते हैं या कुछ भी. मुझे बहुत अच्छा लगता था कि सारी मॉम्स टू बी जो थी वो एक ग्रुप में कनेक्टेड थी, तो सारी एक्टिविटीज को लोग करते थे, मुझे उनको देख के भी इंस्पिरेशन मिलता था. स्पेशली प्रज्ञा मैम जो खुद भी प्रेगनेंट थी और वो हमको योगा सिखाती थी, तो उनसे मुझे काफी इंस्पिरेशन मिलता था. विष्णु माने सर तो मतलब जब भी मुझे कभी ज्यादा ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया, तो एक दो बार मैंने उनसे पर्सनली मैसेज करके भी बात की तो उन्होंने मुझे पॉजिटिविटी ही दी हमेशा. सर के लाइव मेडिटेशन जो होते थे वो भी बहुत अच्छे होते थे, तो हमेशा मतलब ऐसा लगता था कि मैं अकेली नहीं हूँ, हमेशा मुझे सपोर्ट रहता था. लगता नहीं था कि मैं एक ये जर्नी स्ट्रगल कर रही हूँ, प्रेगनेंसी में इतना टफ टास्क है, प्रेगनेंसी में पूरा अकेले मैनेज करना. इवन मैं जॉब करती थी तो मैं एक्टिवा से ही आना जाना करती थी, तो मैंने 9th month में मतलब एंडिंग में मैंने छुट्टी ली थी. पूरा मतलब प्रेगनेंसी में ऑफिस गई हूँ वो भी एक्टिवा से, तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए या कुछ हो जाएगा, कभी भी डर नहीं लगा, पॉजिटिव रहा हमेशा. एंड जो योगा मैम सिखाती थी तो मैं हमेशा मतलब मैक्सिमम टाइम मैंने योगा, इसके लिए भी मुझे एक आलस नहीं रहा कि नहीं सुबह सुबह नहीं उठना है. कभी कभी मैं इवनिंग वाला सेशन भी अटेंड करती थी कि मैं ऑफिस से आने के बाद इवनिंग सेशन भी होता था तो मैं वो भी अटेंड करती थी, सुबह शाम दोनों योगा कर लेती थी. मैं पूरा 9 months एक्टिव रही. इवन जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी डिलीवरी के लिए तो सुबह सुबह हमको कैब नहीं मिल रहा था, तो हम एक्टिवा से चले गए थे कि चलो हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहा है एक्टिवा से चलते हैं. सो मतलब इतना एक्टिवनेस और इतनी पॉजिटिविटी थी कि मुझे ये डर नहीं था कि अब क्या होगा. इवन मतलब डिलीवरी के लिए जब हम ओटी में जा रहे थे तो मुझे कभी भी ऐसे डर नहीं लगा कि अंदर से कि क्या होगा. मैं पूरा पॉजिटिविटी के साथ गई और बहुत अच्छा लगा जब मैंने मेरे बेबी को देखा, तो इतना अच्छा मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आई. और ये लग रहा था कि मैंने जीएससी को ज्वाइन करके बहुत अच्छा मेरा डिसीजन था कि मैंने जीएससी ज्वाइन किया. तो मेरा जो 4th month था उसमें मुझे लो लाइंग प्लेसेंटा बताया था, सो मैंने अफर्मेशंस में ये मेंशन करना चाहूँ किया उसी टाइम से कि मेरा जो लो लाइंग प्लेसेंटा है वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाए और
नॉर्मल पोजीशन में आ जाए, और इवन 8th मंथ में ही मेरा जो लो लाइन प्लेसेंटा था वो नॉर्मल पोजीशन में आ गया था. सो मतलब ये काफी इफेक्टिव रहा. एफर्मेशंस मैंने और भी बहुत सारे लिखे, और कम हो पाता था कि कुछ एक्टिविटीज नहीं हो पाती थी, बट एफर्मेशंस, योगा, ट्रांस सुनना, ट्रांस मुझे मतलब एक स्ट्रेस रिलीव कर देता था. इवन जब फन विथ जीएससी होता था, तो फन विथ जीएससी में हम सब भूल जाते थे, और महिमा मैम, सहेली मैम ऐसे मतलब एक फैमिली मेंबर्स जैसे थे कि हम एंजॉय कर रहे थे प्रेगनेंसी को. सो ओवरऑल यही है कि जीएससी फैमिली है हमारे लिए, आगे भी हम इसके इससे जुड़े हुए रहेंगे. इवन अभी प्रेगनेंसी के बाद जो पॉजिटिव पेरेंटिंग का ग्रुप है उसमें भी हम देखते हैं कि मैम कुछ ना कुछ रिप्लाई करती रहती है, हम कुछ पूछते हैं तो. एंड जो भी मॉम्स है पेरेंट उस ग्रुप में वो भी सपोर्टिव है. कभी ऐसा नहीं होता है कि हम किसी को ना बताए, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो इंस्टेंट रिप्लाई आता है उस ग्रुप में. सो हम कनेक्टेड हैं उसके बाद भी कि जीएससी से हम दूर नहीं जा सकते, अब हमेशा कनेक्टेड रहेंगे. सो थैंक यू सो मच विष्णु सर, प्रज्ञा मैम, साइली मैम, हिमा मैम एंड ऑल ऑफ, थैंक यू ऑल द जीएससी मॉम्स, एंड वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच. ग्रेट. मितिका मैम बहुत बढ़िया, बहुत मतलब आई नो कि शायद आप कभी इतने बात किए नहीं है, बट बहुत अच्छी तरह से आपने बात किया, आपने जर्नी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया. वाओ क्यूट. हेलो हेलो हाय. वाओ व्हाट अ कनेक्शंस. ग्रेट अमेजिंग. क्या एज है उनका अभी? थ्री मंथ. वाओ सुपर. काफी एक्टिव है, बहुत एक्टिव है, और मतलब कनेक्टिव कनेक्शन बहुत मतलब ऐसे ऑब्जर्व करता है. हम लोग हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं, बट ये पहचान जाता है कि पापा आ गए हैं, मॉम है, तो साथ में तो हम उससे पूरा कनेक्टेड रहता है. बहुत एक्टिव है. थैंक यू सो मच. ग्रेट अमेजिंग. ग्रेट एंड बेस्ट ऑफ लक. गॉड ब्लेस यू बोथ एंड कीप इट अप. हौसला बरकरार रखिए, आगे बढ़ते रहिए, हम आपके साथ में हैं. जीएससी फैमिली ऑलवेज विथ यू. ओके ग्रेट. थैंक यू वेरी मच.